जय यीशु। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लाइव आराधना में। प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु आप सभी को छुए, उसका अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। हम प्रभु की आराधना करें इस समय। प्रभु की आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु का गुणगान करना, जय जयकार करना यति आवश्यक है। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु भक्तों प्रभु की स्तुति करो, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। तो हम इस समय मिलकर प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं, प्रभु की वंदना करने जा रहे हैं। आइए हम इस समय प्रभु की आराधना करें। जब भी आप कुछ करेंगे प्रभु के लिए दिल से करना। चाहे आप गीत गा रहे हैं, दिल से गाओ। चाहे आप प्रार्थना कर रहे हैं, 2 मिनट क्यों ना कर रहे हैं, दिल से करो। कई लोग 1-1 घंटा प्रार्थना करते हैं, 2-2 घंटा प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं लगता उनका। मन और कहीं है, लेकिन फिर भी प्रार्थना करते हैं। तो क्यों ना हम जो कुछ करें मन लगा कर करें, हृदय से करें, प्रभु का गुणगान करते हुए करें। और प्रभु इस बात से प्रसन्न होते हैं जब हम पूरी शक्ति से, पूरी बुद्धि से, पूरे विवेक से, पूरी शक्ति से उस प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं। प्रभु इस बात से खुश होते हैं। और जब प्रभु खुश हैं तो वह हमें अपार आशीषें देते हैं। हम प्रभु की तारीफ किया करें, प्रभु की महिमा करें। वो सर्वशक्तिमान है, दयालु परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आप जितने भी लोग इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, मैं आप सबों को कहना चाहता हूँ, मोबाइल एक और रख कर हमारे साथ प्रार्थना में भाग लेना। देखना नहीं है बल्कि भाग लेना। देखो, भाग लेना एक किसी में पार्टिसिपेट करना और किसी चीज़ को देखना, दोनों अलग अलग चीज़ें, बातें। यदि आप कहीं पर भी देख रहे हैं, मोबाइल पे हैं, टीवी पर हैं, आप देखो मत हमें, बल्कि हमारे साथ प्रार्थना में भाग लीजिए, प्रार्थना कीजिए। कई लोग चैट करते रहते हैं, चैट्स में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक ठीक है कि यदि आप बैठकर हमारे साथ प्रभु की आराधना करें, प्रभु के गीत गाएं, वचन सुने ध्यानपूर्वक। और जो ऐसा करते हैं वे परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में पाते हैं। और इसीलिए जब आप देखेंगे गवाहियां आती हैं, तो उन लोगों की गवाहियां आती हैं जो प्रार्थना में लीन होते हैं, जो प्रार्थना करते हैं हमारे साथ, वचन सुनते हैं ध्यान से। तो आप भी ऐसे किया करें। यदि आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में प्रभु की आशीष देखना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में प्रभु के महान कार्य देखना चाहते हैं, प्रार्थना करें। और आप जानते हैं प्रभु हमारी हर प्रार्थना को सुन सकता है। हो सकता है हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना बहुत कठिन है, जो हम मांग रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप जानते हैं प्रभु हमारी कठिन से कठिन प्रार्थना को भी सुन सकते हैं। प्रभु हमारी कठिन से कठिन प्रार्थना को भी सुन सकते हैं। प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद रखें, प्रार्थना करें। महान प्रभु, हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी वंदना करते। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान, दयालु पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। तेरे सामने हम अपने सिर को झुकाए हुए इस समय तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु जी हम पर दया करें, हम पर कृपा करें, हमें अपने अपार सामर्थ्य से समय कवर करें, ढक लें। तेरे सामर्थ्य की हमें बेहद जरूरत है। ये तेरा सामर्थ्य ही है जो हम दुर्बलों को ताकतवर बना देता है, बलवान बना देता है। तेरे सामर्थ्य से ही हम अपने कंठों को खोलकर तेरी महिमा लंबे समय तक कर सकते हैं। तेरे सामर्थ्य से ही हम अपनी वासनाओं पर विजयी होते हैं। तेरे सामर्थ्य से ही हम शैतान पर विजयी होते हैं। प्रभु हमें और सामर्थ्य दे
कि हम पवित्रता में निरंतर बढ़ते चले जाएं और फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखें। प्रभु हमें तेरे सामर्थ्य से, तेरे आत्मा से ऐसा भर दे जैसे तूने एलियाह को भरा था प्रभु, जैसे तूने दाऊद को भरा था, जैसे तूने यर्मिया और इजहाक को, जैसे तूने एलिशा को भरा था, वैसे ही उसी अभिषेक से हमें भर दे, ताकि हम आत्मा से भरकर आत्मा की गहराई से तेरी आराधना कर सकें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना, महिमा, स्तुति। अपने अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो। मेरे पीछे जिस गीत को गुनगुनाते जाएं, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना गाए, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना दाता आराधना हो, मुक्ति।
दाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। यीशु प्रभु तेरी आराधना हो, यीशु प्रभु तेरी आराधना गाए। आराधना तेरी आराधना हो, पवित्र आत्मा आराधना, पवित्र आत्मा आराधना, पवित्र आत्मा आराधना, पवित्र आत्मा आराधना हो, पवित्र आत्मा आराधना। आराधना करें, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना। यीशु प्रभु तेरी आराधना हो, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, पवित्र आत्मा आराधना गाए, पवित्र आत्मा आराधना, प्रभु की आराधना करें इस समय। जीवन रोटी तेरी आराधना हो, जीवन रोटी तेरी आराधना, तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना हो। जीवन ज्योति तेरी आराधना हो, जीवन ज्योति तेरी आराधना गाए, ज्योति तेरी आराधना हो, जीवन ज्योति तेरी आराधना, जीवन ज्योति तेरी आराधना हो, जीवन ज्योति तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना हो, आराधना तेरी आराधना, आराधना हो, आराधना तेरी आराधना।
शक्तिमान तू हालेलुया हालेलुया जिंदा प्रभु तू हालेलुया हालेलुया पाक यहोवा तू हालेलुया हालेलुया एल शद्दाई तू हालेलुया हालेलुया मुश्किल कुशा तू हालेलुया हालेलुया संकट मोचन हालेलुया हालेलुया दया का सागर हालेलुया हालेलुया करुणा का सागर प्रदाता हालेलुया हालेलुया शक्ति प्रदाता हालेलुया हालेलुया मरियम का बेटा हालेलुया हालेलुया ईश्वर सुत तू हालेलुया हालेलुया जीवन रोटी हालेलुया हालेलुया जीवन की ज्योति हालेलुया हालेलुया जीवन का दाता जीवन का दाता यीशु मसीह को हालेलुया हालेलुया 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 तेरी महिमा हो हालेलुया हालेलुया तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया शक्तिशाली सामर्थ्यवान तू हालेलुया हालेलुया आकाश सिंहासन
सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, संध्या का ये समय अनुग्रह का समय है। संध्या का ये समय आराधना और स्तुति का, धन्यवाद देने का समय है। संध्या का ये समय, प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु की हजूरी में लौटने का समय है। मेरे भाई, मेरी बहन, इस वक्त प्रभु से जुड़ जाना। इस पवित्र संस्कार की ओर विश्वास की आंखों को खोल कर देखना। इस वेदी के चारों ओर देखना कि परमेश्वर के दूत संतगण उसकी आराधना और स्तुति में लीन है। प्रभु ने कहा, जो मेरे पास आता है अंधकार में नहीं भटकेगा। प्रभु ने कहा, मैं उसे ऐसी रहस्यमय बातें बताऊंगा, जो मुझसे प्रार्थना करेगा, मेरे दर्शन चाहेगा, जिन्हें आप अभी नहीं समझते हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपका घर प्रभु की महिमा का स्थान बन जाए। आपका घर प्रभु की महिमा का स्थान बन जाए।
इस वेदी से प्रभु की दया बह रही है, उसकी करुणा आपके घरों की ओर बह रही है। प्रभु का वादा है, जो मेरे पास आएगा अंधकार में ना भटकेगा, जो मुझे पुकारेगा मैं उसे उत्तर दूंगा, जो मुझसे मांगेगा मेरा नाम लेकर मांगेगा पिता उसे प्रदान करेगा। यह महत्वपूर्ण समय है, यह पवित्र समय है, हम प्रभु की पाक हजूरी में हाजिर हैं। इस वक्त अपना तन, अपने मन और आत्मा को प्रभु की ओर उठाना, आनंदित हो जाना, और वो आपके मनोरथ पूरे करेगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु की महिमा करना, उसका धन्यवाद करना कृतज्ञ हृदयों के लिए शोभन है। आज आपकी चंगाई का दिन है, आपके छुटकारे का दिन है, ये समय धन्यवाद करने का समय है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, कुछ समय के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाना, सारे दुखों को भूल जाना, केवल और केवल धन्यवाद करते जाना उन तमाम बातों के लिए जो प्रभु ने आपके जीवन में वरदान स्वरूप आपको प्रदान किए हैं। कुछ समय के लिए अपनी सारी भविष्य की योजनाओं को एक किनारे रखना, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए एक योजना बनाई है। अपने कान प्रभु की ओर लगाना कि प्रभु ये कहता है कि जाल दाहिनी ओर डालो। प्रभु के वचन को सुनना, प्रभु ने कहा मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, कान लगाकर सुन, कान लगाकर सुन, क्योंकि मेरे वचन आत्मा और जीवन है, मेरे वचन आत्मा और जीवन है, और वो तुझे स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप जीवित प्रभु हैं, आप जीवित प्रभु, आप चंगा करने वाले ईश्वर हैं, चंगा करने वाले ईश्वर, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, बहुत से लोग निराश हैं, टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, शैतान ने उन्हें प्रलोभन में डाल डाल कर उन्हें नष्ट कर दिया है। कुछ लोग अपने प्रलोभनों से बाहर आने में असमर्थ हैं, कुछ अपनी बुराइयों से बाहर आने में असमर्थ हैं। प्रभु कहता है जब तक पिता तुम्हें अपनी ओर आकर्षित ना करे, तुम में से कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है। जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें ना समझा दे, जब तक वो रहस्यों के तुम पर ना खोले, तब तक तुम में से कोई मेरे पास नहीं आ सकता। याद रखना प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता है। प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। जो मेरा वचन सुनते हैं, जो मेरी वाणी पर चलते हैं, जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे देखा है, उन्होंने पिता को भी देख लिया, पिता को भी महसूस कर लिया है, पिता के भी दर्शन कर लिए हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास करने में असमर्थ हैं, आज विश्वास करना, आपके जीवन से बंधन टूटेगा। चाहे वो कर्ज का बंधन हो, चाहे वो निसंतानता का बंधन हो, चाहे वो बीमारी का बंधन हो, चाहे वो पाप और श्रापों के बंधन क्यों ना हो, क्योंकि यीशु के नाम से हर एक बंधन टूटेगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये आराधना और स्तुति जब ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, और बंधन टूटते हैं, रोगी चंगे होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, विश्वास करना, प्रायश्चित के साथ प्रभु के चरणों में, उसकी हजूरी में आ जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी विनय पर ध्यान दे। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी विनय पर ध्यान दे। अपनी सत्य प्रतिज्ञता और न्याय प्रियता के अनुरूप, अपनी सत्य प्रतिज्ञता और न्याय प्रियता के अनुरूप मुझे उत्तर देने की कृपा कर, मुझे उत्तर देने की कृपा कर। अपने सेवक को अपने न्यायालय में ना बुला, अपने सेवक को अपने न्यायालय में ना बुला, क्योंकि तेरे सामने कोई भी प्राणी निर्दोष नहीं है, क्योंकि तेरे सामने कोई भी प्राणी निर्दोष नहीं है। शत्रु ने मुझ पर अत्याचार किया, शत्रु ने मुझ पर अत्याचार किया, उसने मुझे पछाड़ कर रौंद डाला, उसने मुझे पछाड़ कर रौंद डाला, उसने मुझे उन लोगों की तरह अंधकार में रख दिया, उसने मुझे उन लोगों की तरह अंधकार में रख दिया, जो बहुत समय पहले मर चुके हैं, जो बहुत समय पहले मर चुके हैं। इसलिए मेरा साहस टूट रहा है, इसलिए मेरा साहस टूट रहा है। मेरा हृदय मेरे अंतरतम में संतृप्त है, मेरा हृदय मेरे अंतरतम में संतृप्त है। मैं बीते दिन याद करता हूँ, मैं बीते दिन याद करता हूँ। मैं तेरे सब कार्यों पर चिंतन, मैं तेरे सब कार्यों पर चिंतन, और तेरी दृष्टि का मनन करता हूँ, और तेरी दृष्टि का मनन करता हूँ। मैं तेरे आगे हाथ पसारता हूँ, मैं तेरे आगे हाथ पसारता हूँ। सूखी भूमि की तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है, सूखी भूमि की तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। प्रभु मुझे शीघ्र उत्तर दे, प्रभु मुझे शीघ्र उत्तर दे। मेरा साहस टूट गया है, मेरा साहस टूट गया है। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपना मुख मुझसे ना छिपा, नहीं तो मैं अधोलोक में उतरने वालों के सदृश हो जाऊंगा, नहीं तो मैं अधोलोक में उतरने वालों के सदृश हो जाऊंगा। मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा, मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु शत्रुओं से मेरा उद्धार कर, प्रभु शत्रुओं से मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरी शरण आया हूँ, क्योंकि मैं तेरी शरण आया हूँ। प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे, प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है। तेरा मंगलमय आत्मा मुझे, तेरा मंगलमय आत्मा मुझे समतल मार्ग पर ले चले, समतल मार्ग पर ले चले। प्रभु अपने नाम के अनुरूप, प्रभु अपने नाम के अनुरूप तू मुझे नवजीवन प्रदान करेगा, तू मुझे नवजीवन प्रदान करेगा। अपनी न्याय प्रियता के अनुरूप, अपनी न्याय प्रियता के अनुरूप तू संकट से मेरा उद्धार करेगा, तू संकट से मेरा उद्धार करेगा। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप, अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप तू मेरे शत्रुओं को मिटाएगा, तू मेरे शत्रुओं को मिटाएगा। तू मेरे सभी विरोधियों का विनाश करेगा, तू मेरे सभी विरोधियों का विनाश करेगा। क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर पर, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरी संतान पर, मेरी संतान पर, मेरे रिश्तेदारों पर, मेरे रिश्तेदारों पर, मेरे भाई बहनों पर, मेरे भाई बहनों पर, अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं, आप महान हैं, आप महान, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, मुक्तिदाता हैं, मुक्तिदाता हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ें, पवित्र आत्मा से कहें कि नया जीवन मुझे दे दे। हे पावन आत्मा, तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। आज की रात्रि मेरे जीवन से, मेरे परिवार से हर प्रकार का बंधन टूटे। मैं अपने पुराने जीवन से, अपने गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ। अपने दोनों हाथों को खुला छोड़ना, मेरे पीछे इस गीत को दोहराना, आत्मा की सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से सच्चे आराधक बनकर इस वेदी की ओर निहारते हुए, इस पवित्र रोटी में देखते हुए, प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस गीत को गाना। प्रभु का आत्मा अपने वरदानों से आपको भर दे और संचालित करें। जीवन मुझे दे दे पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दे पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दे। बीमारी के कारण, गुनाहों के कारण मेरी हड्डियां छीज रही हैं, प्रभु मुझ पर दया कर दे। अपने पवित्र दाहिने हाथ से मुझे मसा कर मेरी हड्डियों को आराम दीजिए। प्रभु मैं आपके चरणों में आया हूँ। हे पवित्र आत्मा मुझ पर दया कर, मेरे परिवार
को अपने सानिध्य में घेरे रख। मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, मुझ में तू आ जा पावन आत्मा, जीवन से भर दे आनंद से भर दे। जितने भी लोग बीमार हैं, दुर्बल हैं, चल फिर नहीं सकते, लकवे से पीड़ित हैं, बेड रिडन हैं, अंधकार की शक्तियों से जकड़े हुए हैं, जो बेचैन हैं, जिन्हें शांति नहीं है, जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है, जो अंधों की तरह टटोलते फिरते हैं, जो मार्ग से भटके हुए हैं, जो परमेश्वर से बहुत दूर जा चुके हैं, हे पवित्र आत्मा इन पर अपने रहस्यों को प्रकट कर, इन्हें विश्वास का वरदान प्रदान कर दे। जो रोगी हैं उन्हें चंगा कर, जो निर्बल हैं उन्हें बल प्रदान कर, और अपनी हजूरी में उन्हें शांति और चंगाई प्रदान कर। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ हमारे बीच में हाजिर हैं आप, हमारे बीच में हाजिर हैं। हे प्रभु यीशु मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। हे प्रभु यीशु मेरा विश्वास बढ़ाइए। मैं आपकी आराधना करता हूँ आपकी महिमा गाता हूँ आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। परिजनों, यदि विश्वास ईश्वर का वरदान है, तो अविश्वास एक पाप है।
यदि विश्वास ईश्वर का वरदान है और ईश्वर की ओर से आता है तो प्रियजनों अविश्वास शैतान की ओर से आता है, जो हमें सत्य को जानने के लिए हमें क्या कर देता है, असमर्थ करता है और अपनी बातों को हमारे जीवन में डालने की कोशिश करता है, हमारी सोच को विकृत करने की कोशिश करता है। और जब हम प्रलोभन में पड़ के परमेश्वर से दूर चले जाते हैं अपने अविश्वास के कारण, तो हम एक घृणित पाप कर बैठते हैं। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 8 लिखा है, लेकिन कायर अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य ये होगा, धधकती आग और गंधक के कुंड में उनकी द्वितीय मृत्यु होगी। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे इस अंधकार में, मुझे इस अंधकार में मत पड़ने दीजिए, मत पड़ने दीजिए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मुझे सामर्थ्य दीजिए, मुझे सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यदि आपने ध्यान पूर्वक ये वचन सुना तो प्रभु ये कहता है कि अविश्वासी व्यक्ति को भी आग के और गंधक के कुंड में डाल दिया जाएगा। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जा चुका है। इसलिए बाइबल अविश्वास को अर्थात नास्तिकता को पाप की श्रेणी में रखती है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे परमेश्वर में विश्वास नहीं करता, उसकी आराधना नहीं करता और झूठ बोलता है, सच्चे परमेश्वर की निंदा करता है, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है, बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति आग के और गंधक के कुंड में डाल दिया जाएगा। इसलिए अपने विश्वास को प्यारे भाई प्यारी बहन परख कर देखना, आज अपने आप से पूछ कर देखना कि आपका विश्वास कैसा है, क्या आप सचमुच में विश्वास करते हैं या नहीं। यीशु ने 3 बार पेत्रुस से पूछा, पेत्रुस क्या तुम मुझे प्यार करते हो, पेत्रुस क्या तुम मुझे प्यार करते हो, पेत्रुस क्या तुम मुझे प्यार करते हो, और यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी क्या तुम मुझसे प्यार करता है, क्या तुम मुझ में विश्वास करता है, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे जीवन दे सकता हूँ, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे बंधनों को तोड़ सकता हूँ, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे लिए ये सब काम कर सकता हूं, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। इसलिए जवाब दे देना आत्मा से भर के, आत्मा की सच्चाई के साथ। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज प्रभु आपके मुख से सुनना चाहता है, इसलिए जवाब देने के लिए तैयार रहना, अन्यथा अंधकार में मुझे और आपको भी दांत पीसने पड़ेंगे और हम इस पाप के भागी बन सकते हैं यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन, आपके वचन आत्मा और जीवन है, आत्मा और जीवन, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
एक उदाहरण राजाओं के दूसरे ग्रंथ से अध्याय 6 पद संख्या 27 मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अविश्वास का एक ऐसा उदाहरण जो बाइबल हमें बताती है, लिखा है, इज़राइल का राजा दीवार के ऊपर चल रहा था। एक स्त्री ने उससे चिल्लाकर कहा, श्रीमान महाराज मेरी सहायता कीजिए। उसने उत्तर दिया, यदि प्रभु तुम्हारी सहायता नहीं करता तो फिर मैं कहां से तुम्हारी सहायता करूंगा? क्या खलिहान से, क्या अंगूर के कोलू से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, एक स्त्री ने मुझसे कहा कि तुम अपना पुत्र दो जिससे हम आज उसे खाएं और कल मेरे पुत्र को खाएगी। इसलिए हम दोनों ने मेरे पुत्र को पकाया और खाया। दूसरे दिन मैंने उससे कहा कि अब तुम अपना पुत्र दो, उसे हम खाएं, तो उसने अपने पुत्र को छिपा लिया है। ये समारिया में जो दुर्भिक्ष दिन आए, ये उनकी घटना है। अगर आप प्यारे भाइयों और बहनों अध्याय 6 पद संख्या 8 से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर लिखा है कि आराम का राजा इज़राइलियों से युद्ध कर रहा था। उसने अपने सेवकों के साथ परामर्श करने के बाद कहा, अमुक स्थान पर अपना पड़ाव डालो। उधर ईश्वर भक्त ने इज़राइल के राजा से यह कहला भेजा कि वह इस स्थान से होकर ना जाए, क्योंकि यहां आरामी लोग पड़ाव डालने वाले हैं। तो इज़राइल के राजा ने उस स्थान पर जिसके विषय में ईश्वर भक्त ने बताया था अपने गुप्तचर भेजे। इस प्रकार वह राजा को कई बार सावधान करता था जिससे कि राजा उन स्थानों से सावधान रहता था। तो आराम के राजा ने इस बात से घबरा कर अपने सेवकों को इकट्ठा करवाया और उनसे पूछा, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि हम में कौन इज़राइल के राजा का समर्थक है? उसके सेवकों में से एक ने कहा, महाराज मेरे स्वामी हम में से कोई भी नहीं, परंतु इज़राइल का नबी एलीशा इज़राइल के राजा को आपकी वे बातें तक बता देता है जो आप अपने शयनागर में कहते हैं। इस पर उसने आज्ञा दी, जाओ और देखो कि वह कहाँ है जिससे मैं उसे पकड़ने किसी को भेजूं। उसे बताया गया कि वह दोतान में है। इसलिए उसने घोड़ों और रथों सहित एक बड़ा सैनिक दल वहां भेजा। वे वहां रात के समय पहुंचे और उन्होंने नगर को घेर लिया। ईश्वर भक्त का सेवक सवेरे उठकर बाहर निकला तो देखता क्या है कि घोड़ों और रथों सहित एक दल नगर को घेरे पड़ा है। सेवक ने कहा, स्वामी हम क्या करें? लेकिन उसने कहा, डरो मत, जो हमारे साथ हैं वे उनसे अधिक हैं जो उनके साथ हैं। इसके बाद एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु इस युवक को दृष्टि दे जिससे वह देख सके। अब प्रभु ने उस युवक की आंखें खोल दीं और उसने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ घोड़ों और अग्नि में रथों से भरा हुआ है। आरामी उस पर आक्रमण कर ही रहे थे कि एलीशा ने प्रभु से प्रार्थना की, इन लोगों को अंधा बना दें। और एलीशा ने जैसे ही प्रार्थना की थी, प्रभु ने उन्हें अंधा बना दिया। इस पर एलीशा ने उनसे कहा, यह वह रास्ता नहीं है, यह वह नगर नहीं है, तुम लोग मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें उस व्यक्ति के पास ले चलता हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इस प्रकार वह उन्हें समारिया ले चला। समारिया में प्रवेश कर एलीशा ने कहा, प्रभु इनकी आंखें खोल दे जिससे यह देख सके। प्रभु ने उनकी आंखें खोल दी तो उन्होंने देखा
कि वे समारिया में हैं। और जब इज़राइल के राजा ने उन्हें देखा तो उसने अलीशा से पूछा, मेरे पिता, क्या मैं इन्हें मार डालूं? लेकिन उसने कहा, नहीं, इन्हें नहीं मारिए। क्या आप उन्हें मारते हैं जिन्हें आपने अपनी तलवार और धनुष से बंदी बनाया है? इन्हें खाने पीने को रोटी पानी दीजिए, जिससे ये खा पी कर अपने स्वामी के पास ले जाएं। और इस पर राजा ने एक भोज दिया और उनके खा पी लेने के बाद उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास लौट गए। और इस घटना के बाद अरामियों ने इज़राइल पर छापा मारना छोड़ दिया। विश्वास की एक ऐसी घटना जिसे हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि अलीशा प्रभु से प्रार्थना करता है कि इस युवक की आंखें खोल दे, जिससे कि ये विश्वास की आंखों से देख सके कि अलीशा के साथ सबसे महान सामर्थ्यवान प्रभु विराजमान है और उसकी रक्षा करता है। और उसने देखा कि अलीशा के चारों ओर अग्नि के रथ लिए हुए स्वर्गदूत उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। उसने फिर से प्रार्थना किया कि इसकी आंखें बंद कर दे, इन लोगों की आंखें बंद कर दे जो चढ़ाई करने के लिए आए हैं। तो प्रभु ने, प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा ही किया। इसके बाद जैसा मैंने आपसे कहा कि वहां पर आराम में ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई कि लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए और यहां तक कि वहां पर वे लोग अपने ही पुत्रों को मार कर पका कर खाने लगे। और दो स्त्रियों के विषय में हमने पढ़ा कि वे राजा के पास आती है और अपनी मुद्दई के खिलाफ क्या करती है, राजा से न्याय करने की गुहार लगाती हैं। अगले वचन में पढ़ेंगे अलीशा की भविष्यवाणी। उस समय अलीशा अपने घर में था और उसके आसपास नेता बैठे हुए थे। राजा ने अपने आने के पहले एक आदमी भेजा। उस दूत के वहां पहुंचने के पहले ही अलीशा ने नेताओं से कहा, देखो, मेरा सिर काटने के लिए वो हत्यारा किसी को भेज रहा है। अलीशा का सिर काटने के लिए राजा ने किसी को आदेश दिया और उसे भेजा, परंतु प्रभु की कृपा से अलीशा को पहले से ही ये मालूम चल गया और वह कहने लगा कि देखो, मेरा सिर काटने के लिए वह किसी हत्यारे को मेरे पास भेज रहा है। सावधान रहो, उस दूत के आने पर दरवाजा बंद कर दो, उसको किवाड़ों से बाहर ढकेल दो, क्योंकि मुझे उसके पीछे उसके स्वामी की आहट सुनाई दे रही है। वह उनसे यह कह ही रहा था कि राजा उसके पास आ गया और कहने लगा, यह विपत्ति प्रभु की ओर से आई है, अब मैं प्रभु से किस बात की आशा करूं? तो अलीशा ने कहा, प्रभु की वाणी सुनो, प्रभु का कहना है कि कल इसी समय समारिया के फाटक पर आधा मन मैदा एक शकेल में और एक मन जौ एक शकेल में बिकेगा। आधा मन आटा और आधा मन जौ एक शकेल में बिकेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, राजा जिस पदाधिकारी के हाथ का सहारा लिए था उसने ईश्वर भक्त को उत्तर दिया, यदि प्रभु आकाश की खिड़कियां भी खोल दे तो भी क्या ये बात संभव है? ये अविश्वास का एक दूसरा उदाहरण है। कहता है कि यदि ईश्वर आकाश की खिड़कियां भी खोल दे तो इस अकाल के समय क्या ऐसा संभव हो सकता है कि आधा मन मैदा एक शकेल में और आधा मन जौ एक शकेल में क्या ये बिक सकता है? प्यारे भाइयों और बहनों, अगले वचन में आप पढ़ेंगे कि अलीशा ने उत्तर दिया, तुम अपनी आंखों से देखोगे परंतु तुम वह अन्न खा नहीं पाओगे। कहता है आधा मन मैदा एक शकेल में बिकेगा इस अकाल के दिनों में, इन समस्याओं के दिनों में, इन दुर्लभ दिनों में, और आधा मन जौ एक शकेल में बिकेगा और तुम अपनी आंखों से देखोगे लेकिन तुम इसे खा नहीं पाओगे। हालेलुया,
यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार जो अविश्वास का पर्दा पड़ा हुआ है, अविश्वास का पर्दा पड़ा हुआ है, उसे हटा दीजिए, उसे हटा दीजिए। मैं आपके वचनों को सुनकर, मैं आपके वचनों को सुनकर आप में विश्वास कर सकूं, आप में विश्वास कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब अरामियों का पलायन वहां से होने लगा तो नगर के द्वार के पास चार कोढ़ी बैठे हुए थे, वो आपस में कहने लगे कि हम यहां बैठे बैठे क्यों मरें? यदि हम नगर में प्रवेश करेंगे तो हम वहां भी मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल है, और यदि हम यहां रहेंगे तो हम यहां भी मर जाएंगे। चलो हम अरामियों में, अरामियों के पड़ाव में चलते हैं, यदि वे हमें जीवित छोड़ देंगे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमें मार डालेंगे तो हम मर जाएंगे। संध्या होने पर अरामियों के पड़ाव की ओर वे लोग चल पड़े। तो अरामी अपने पड़ाव के पास पहुंचने पर उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई न पड़ा, क्योंकि प्रभु के विधान से अरामी सैनिकों के रथों और घोड़ों की आवाज, एक बड़ी सेना का तुमुल नाद सुनाई दिया, जिससे वे आपस में कहने लगे कि इज़राइल के राजा ने हम पर आक्रमण करने हित्तियों और मिश्र के राजाओं को धन देकर बुलाया, इसलिए वे संध्या समय अपने तंबुओं, अपने घोड़ों, गधों और शिविरों को ज्यों का त्यों छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए क्या हो गए, भाग खड़े हुए। वे कोढ़ी पड़ाव पर पहुंचकर एक तंबू में घुस गए, खाने पीने लगे तथा चांदी, सोना और वस्त्र लेकर उन्हें छिपाने के लिए वे लोग चल दिए। इसके बाद वापस आकर वे एक दूसरे तंबू में घुसे, वहां से भी वो सब कुछ लेकर उसे उन्होंने क्या किया, छिपा दिया। अब आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि प्रभु के दास ने जो कहा था वो पूरा होना अनिवार्य था। अकाल पड़ा हुआ था और इस व्यक्ति ने प्रभु के वचन पर, प्रभु के दास पर, प्रभु की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया। और होता क्या है, तब उन्होंने आपस में कहा, हम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, आज शुभ संदेश का दिन है, यदि हम सवेरे तक चुप बैठते हैं तो हमें दंड मिलेगा, चलो हम नगर जाकर राजमहल को इसकी सूचना देते हैं। इसलिए उन्होंने जाकर नगर द्वार के पहरेदारों को बुलाया और कहा, हम अरामियों के शिविर गए थे किंतु वहां ना तो कोई मनुष्य दिखाई दिया और ना किसी की आवाज सुनाई दी, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे थे और तंबू खाली थे। नगर द्वार के पहरेदारों ने चिल्लाकर राजमहल में इसकी सूचना पहुंचाई। राजा ने रात को ही उठकर अपने सैनिकों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि अरामियों ने हमारे विरुद्ध क्या किया है, वे जानते हैं कि हम भूखों मर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना शिविर छोड़कर अपने को खुले मैदान में छिपा रखा है। उनका विचार है कि जब वे नगर से बाहर निकलेंगे तब हम उन्हें जीवित पकड़ लेंगे और खुद उनके नगर में घुस जाएंगे। इस पर उसके एक सेवक ने कहा, कुछ लोग यहाँ के बचे हुए घोड़ों से 5 घोड़े ले जाएं, उनका हाल वही होगा जो यहाँ के समस्त इसराइलियों का होगा, जिनकी निश्चय ही मृत्यु हो जाएगी, हम उन्हें भेज दें और पता लगाएं कि वहाँ क्या हो गया है। इस पर घोड़ों के साथ 2 रथ लाए गए और राजा ने उन्हें यह कहते हुए अरामियों की सेना के पीछे भेजा, जाकर पता लगाओ, और वे यर्दन तक उनके पीछे गए। सारा मार्ग अस्त्रों और वस्त्रों से भरा पड़ा था जिन्हें अरामियों ने भागते हुए फेंका था। दूतों ने वापस आकर राजा को इसकी सूचना दी, तब लोग अरामियों के शिविरों को लूटने के लिए निकल पड़े। अब जैसा कि प्रभु ने कहा था, आधा मन मैदा 1 शकेल में और 1 मन जौ 1 शकेल में बिकने लगा। जब अरामी अपना पड़ाव छोड़कर भाग गए, अपनी सारी धन दौलत संपत्ति छोड़कर भाग गए, तो लोगों ने जाकर उन शिविरों में से क्या कर दिया, वो सारा माल लूट लिया और वे ले आए और क्या करने लगे, वहां पर
महल के फाटक के पास आधा मन मैदा एक शकेल में बिकने लगा और आधा मन जौ एक शकेल में बिकने लगा, क्योंकि अकाल के दिन थे, वहां पर भुखमरी पड़ी थी, लोग आपस में ही एक दूसरे को मार कर खाने की नौबत आ गई थी, उनके पास भोजन नहीं था, पेट भरने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। परिस्थिति ऐसी थी कि वहां पर दो स्त्रियों का विषय में हमने सुना कि आपस में उन्होंने कहा कि आज तुम अपने पुत्र को मारो और उसे पकाओ और हम खा लें, और उन्होंने ऐसा किया, कल मैं अपना पुत्र क्या करूंगी तुमको दे दूंगी और हम पकाएंगे और खाएंगे। प्रभु का दास इस भविष्यवाणी को करता है और लिखा है कि राजा ने उस पदाधिकारी को नगर द्वार का अध्यक्ष नियुक्त किया जिसके हाथ वह सहारा लिए था। तो राजा ने क्या किया, उसी व्यक्ति को जिसने अलीशा को जाकर कहा था कि क्या ईश्वर स्वर्ग की खिड़कियों को खोल दे तब भी क्या ये बात संभव हो सकती है कि इन अकाल के दिनों में आधा मन जौ एक शकेल में और आधा मन आटा एक शकेल में बिक सकता है। ये सबसे बड़ा अविश्वासी था। अब सुनिए ध्यान से आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, किंतु लोगों ने फाटक पर ही उस व्यक्ति को रौंद दिया और उसकी मृत्यु हो गई जैसा कि ईश्वर भक्त ने कहा था। जब राजा उसके घर आया था उस समय ईश्वर भक्त ने राजा से कहा था, कल इसी समय समारिया के फाटक पर आधा मन मैदा एक शकेल में और एक मन जौ एक शकेल में बिकेगा। और उस पदाधिकारी ने ईश्वर भक्त को उत्तर दिया था, यदि प्रभु आकाश की खिड़कियां खोल भी दे तो भी क्या ये बात संभव है। उस समय ईश्वर भक्त ने उत्तर दिया, तुम अपनी आंखों से देखोगे परंतु वह अन्न तुम नहीं खा पाओगे। और उसके साथ वैसा ही हुआ, लोगों ने फाटक पर उसे रौंदा और उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। अविश्वास प्यारे भाइयों और बहनों हमारे जीवन में ऐसी पाप को आमंत्रित करता है जो कि ईश्वर के विरुद्ध है। इसलिए जब हम अविश्वास करने लगते हैं तो प्रियजनों हमारा जीवन नष्ट होने लगता है, हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने बैतसाइदा, कफरनहूम, कुराजन और बैतसाइदा को क्या कहा, उसे कहा, रे बैतसाइदा, रे कुराजन, रे कफरनहूम, धिक्कार तुझे, अगर ये सारे चमत्कार प्यारे भाइयों और बहनों किए गए हैं, अगर इस पर तूने विश्वास किया होता तो आज तू उद्धार पाता। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 में हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे, तब ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। धिक्कार तुझे रे कोराजन, धिक्कार तुझे बैतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए थे यदि वे तीरुस और सिदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा, क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं यदि वह सोदोम में किए गए होते तो वह आज तक बना रहता, आज तक बना रहता। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, अपने जीवन में अविश्वास से दूर रहने का पूरा पूरा प्रयत्न कीजिए, अन्यथा प्रभु हमसे ये कहेगा, धिक्कार मेरे बेटे, क्योंकि तुझे इतना वचन सुनाया गया, तुझे बार बार मौका दिया गया, तुझे बार बार प्रायश्चित के लिए बुलाया गया, लेकिन तूने मेरी बातों को नहीं सुना।
ये कलीसियाओं के लिए ये वचन है, ये चुने हुए लोगों के लिए ये वचन है, प्रभु की दुल्हन उसकी कलीसिया के लिए ये वचन है, जहां पर लोगों को, विश्वासियों को बार बार ये वचन सुनाए जाते हैं। कितने अभागे हैं वे लोग जो ईश्वर के नाम को नहीं जानते हैं, कितने अभागे हैं वे लोग जो उसके वचन को नहीं सुन पाते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अविश्वास की स्थिति में आपके जीवन में जानते हैं श्राप आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस विश्वास से बचना चाहता हूँ, मुझे बचा कर रखने की कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैंने कहा कि अविश्वास की वजह से इंसान के जीवन में, परिवारों में श्राप आने लगते हैं। अविश्वास हमारे जीवन में और परिवार में श्राप लाता है। अविश्वास के कारण घरों से आशीष चली जाती है। अविश्वास के कारण इंसान प्रार्थना में मन नहीं लगाता है। अविश्वास के कारण इंसान नास्तिक बनने लगता है। अविश्वास के कारण आपकी बरकतें और आशीषें जो हैं वो देर होती है। Because of your unbelief, the anointing is delayed. Because of your unbelief, the healing is delayed. इसलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में अविश्वास के कारण आशीषें नहीं हैं, अनुग्रह नहीं है, अभिषेक नहीं है। प्रभु कहता है ये लोग मेरा मुख से आदर करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे बहुत ज्यादा दूर है, इनका हृदय मुझसे बहुत दूर है। ये मुख से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन ये मुझसे बहुत दूर हैं। इसलिए प्रियजनों, विश्वास के वरदान के लिए आज प्रभु से प्रार्थना करना, क्योंकि अगर विश्वास का वरदान हमारे जीवन में फलीभूत नहीं होता, अगर ये नहीं बढ़ता, तो हम अवश्य प्रभु से वंचित हो जाएंगे, हम अवश्य ईश्वर की महिमा से वंचित रहेंगे। एक दूसरा पाप जो हमारे जीवन में आता है वो यूं आता है, यदि हम प्रार्थना नहीं करते तो वह हमारे जीवन में एक तरीके से पाप है। यदि मसीह व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते, धन्यवाद नहीं देते और प्रभु की महिमा नहीं करते, कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते, तो वे लोग पाप करते हैं। यदि प्रभु की कलीसिया नित्य प्रतिदिन वफादारी से अपने कर्तव्यों को ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार पूरा नहीं करते, तो वे लोग पाप करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शिष्यों ने यीशु से कहा, शिष्यों ने यीशु से कहा, गुरुवर, गुरुवर, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये दो बातें थी शिष्यों के जीवन में जिन्हें उन्होंने यीशु से कहा कि एक तो हमें प्रार्थना करना सिखाइए कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, और दूसरा हमारे विश्वास को बढ़ाइए। और मैंने आपके साथ मनन चिंतन किया कि हमारा विश्वास घटाया और बढ़ाया जा सकता है। यदि हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास घटने लगेगा, और जब विश्वास घटने लगेगा तो हमारी अनॉइंटिंग भी घटने लगेगी, हमारी कृपाएँ भी घटने लगेंगी, परिवार में उन्नति भी घटने लगेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम ईश्वर के वचन पर विश्वास करने में बिल्कुल बिल्कुल असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए संत पौलुस बार बार याद दिलाता है कि आप लोग प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, धन्यवाद देते रहें, क्योंकि आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। थिस्सलुनीकियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 और 18 कहता है कि आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यह है कि आप निरंतर प्रार्थना करते रहें और धन्यवाद के निवेदन लगातार परमेश्वर को क्या करें, समर्पित करते जाएं। आप लोग जागते रहें, आप लोग सजग रहें,
आप लोग प्रार्थना करें जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेस करे। क्योंकि संत पौलुस रोमियो को लिखता अध्याय 14 पद संख्या 23 में कि जो अंतःकरण के अनुसार नहीं चलता, जो कुछ अंतःकरण के अनुसार नहीं है वो पाप है। जो कुछ हमारे अंतःकरण के अनुसार नहीं है, ईश्वर की प्रेरणा के अनुसार नहीं है, वो पाप है। इसलिए अगर हम प्रार्थना नहीं करते जो कि ईश्वर की इच्छा है ईसा मसीह के द्वारा, तो हम पाप करते हैं और हम पाप की श्रेणी में रहते हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 16, जो प्रार्थना नहीं करता वो अविश्वासी है। सुन लीजिए ध्यान से, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो अविश्वासी है, और अविश्वासी का भाग्य कैसा है? आग और गंधक के कुंड में उसकी दूसरी मौत। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद संख्या 8 के अनुसार, और उसका एक उदाहरण हमने देखा राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 में। हमने पढ़ा कि राजा ने जो गुप्तचर था उसकी बात पर विश्वास किया, लेकिन उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के दास की बात पर विश्वास नहीं किया, और वो फाटक के सामने ही लोगों के पैरों तले रौंद डाला गया। इसलिए बाइबल हमें बताती है इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6, जो प्रार्थना नहीं करता वो अविश्वासी है, और कोई भी विश्वास के अभाव में ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। इब्रानियों का पत्र, इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 अध्याय 11 पद संख्या 6 पद संख्या 6, जो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रार्थना नहीं करता वह अविश्वासी है, वह अविश्वासी है। जो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रार्थना नहीं करता वह अविश्वासी है, वह अविश्वासी। और कोई भी और विश्वास के अभाव में, विश्वास के अभाव ईश्वर का कृपा पात्र, ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया हालेलुया। तो प्रार्थना नहीं करने से पाप लगता है, प्रार्थना नहीं करने से पाप लगता है, क्योंकि ये ईसा मसीह के अनुसार ईश्वर की इच्छा ये है कि आप निरंतर प्रार्थना करें, जागते रहें। धन्यवाद के निवेदन आप लोग प्रभु के समक्ष नित्य प्रतिदिन प्रस्तुत करें, क्योंकि प्रार्थना करने से जिंदगी में, जीवन में चमत्कार होते हैं। मूसा के जीवन में प्रार्थना ने चमत्कार किए। जब इजरायली जनता योशुआ की अगुवाई में युद्ध लड़ रही थी, उसके हाथ ऊपर रहते थे, गिड़गिड़ाते हुए वो प्रार्थना कर रहा था और इजरायली जनता जीतती जाती थी। मूसा के हाथ ऊपर रहे तो उधर चमत्कार होता रहा और इजरायली जनता जीतती रही। माता पिता के हाथ ऊपर रहेंगे, आपकी संतानें जीतती रहेंगी, सफलता प्राप्त करती रहेंगी, उन्नति हासिल करती रहेंगी। यीशु ने गतसमनी बाग में प्राण पीड़ा सहते हुए प्रार्थना की, बार बार नित्य प्रतिदिन पिता से संयुक्त होकर उन्होंने प्रार्थना की, और रोज वो चिन्ह और चमत्कार किया करते थे। एलीशा ने प्रार्थना की, निनवे शहर के लोगों ने प्रार्थना की, एस्तेर ने प्रार्थना की, हन्ना ने प्रार्थना की, प्यारे भाइयों और बहनों, और इनके जीवन में चमत्कार पे चमत्कार देखने को हमें मिलते हैं। इसलिए याद रखें कि प्रार्थना हमारे लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देती है और आशीष बरसने लगती है, लेकिन प्रार्थना नहीं करने से हमारी आशीषें क्लोज हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। जिस घर में प्रार्थना नहीं है वो घर बिखरा हुआ है, वो घर टूटा हुआ है, उस घर में अशांति है, उस घर में मनमुटाव है, उस घर में प्रभु का निवास नहीं है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन आज हमारे जीवन में कार्य करे। प्रार्थना नहीं करना आध्यात्मिक जीवन को कमजोर कर देता है। इफ यू डू नॉट प्रे, योर स्पिरिचुअल लाइफ गेट्स वीकेंड।
आपके आध्यात्मिक जीवन कमजोर होने लगता है, चाहे वो प्रभु का चुना हुआ दास क्यों ना हो, चाहे वो लोकधर्मी क्यों ना हो, चाहे वो विश्वासी क्यों ना हो, प्रार्थना नहीं करने से आपका आध्यात्मिक जीवन कमजोर पड़ने लगता है और हमारे जीवन का जो असली स्तंभ है वो प्यारे भाइयों और बहनों हमारा आध्यात्मिक जीवन है, हमारा आध्यात्मिक जीवन है। प्रार्थना नहीं करने से आपके जीवन की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, प्रार्थना नहीं करने से हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं और हम अविश्वासी बनने लगते हैं। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में ऐसा ही हुआ, पिता से वंचित हुआ, प्रार्थना से दूर चला गया, आध्यात्मिक जीवन से दूर चला गया और उसने ऐशो आराम की जिंदगी बितानी शुरू कर दी और अंत में वो पछताने लगा। जब उसे पछतावा हुआ तो वो लौट कर आया, स्वर्ग के झरोखे फिर खुल गए, पिता ने उसे आलिंगन किया, उसे नए वस्त्र पहनाए, उसके घर में अंगूठी पहनाई, पैरों में चप्पल पहनाई और कहा कि इसके लिए भोज का प्रबंध करो, ये मर गया था ये जी गया है, ये खो गया था ये मिल गया है। ऐसा ही आपकी जिंदगियों में भी हो रहा है, आज बहुत सारे परिवारों में ऐसा ही हो रहा है। पिता ना जाने कितने सालों तक उस बेटे के लिए रो रो कर प्रार्थना करता रहा होगा जिससे कि उसके बेटे का मन परिवर्तन हो जाए। आप भी प्रार्थना करने से ना हिचकें, अपने शराबी पति के लिए, अपने बुरे बेटे के लिए जिसमें बुरी आदतें हैं, कंटिन्यूस लगातार प्रार्थना करते जाएं, क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों अगर हम प्रार्थना नहीं करते तो हम अपने ही खिलाफ पाप करते हैं। ईश्वर के खिलाफ तो हम पाप करते हैं, उसके विरुद्ध तो हम पाप करते ही हैं, लेकिन हम अपने ही खिलाफ पाप करते हैं। आइए सारा बंधन टूटे, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विश्वास को जगाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम आपकी आराधना करते हैं, हमें आशीष प्रदान कर, तेरी महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने दे, आमेन। तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, 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 तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे, 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 यीशु नाम के द्वारा रोगी चंगे होंगे, यीशु नाम के द्वारा रोगी चंगे होंगे, यीशु नाम के द्वारा रोगी चंगे होंगे, 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 यीशु नाम के द्वारा मुक्ति मिल जाएगी, 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 मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल, यीशु नाम के द्वारा उद्धार होगा, यीशु नाम के द्वारा, यीशु नाम के
द्वारा रोग मिट जाएंगे, 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 रोग मिट जाएंगे। हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, मेरे प्यारे यीशु, मेरे प्यारे यीशु, हालेलुया। बंधन तोड़ो यीशु, बंधन तोड़ो यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया। रोगी चंगे कर दो, रोगी चंगे कर दो, हालेलुया यीशु, हालेलुया। दिल में आओ यीशु, दिल में आओ यीशु, छुटकारा दो हमें, छुटकारा दो हमें, छुटकारा दो, छुटकारा दो, तेरी महिमा होवे, तेरी महिमा होवे, पवित्र आत्मा से अभिषेक करो, दानों से हमको भर दीजिए, जितने भी रोगी हैं उन्हें चंगा कीजिए, जो बंधनों में हैं छुटकारा दीजिए, दुष्ट आत्माओं से आजाद कीजिए, सभी नशे के बंधन से आजाद कीजिए, तालियां बजाते हुए गाइए, हमें वासना के बंधन से आजाद कीजिए, हमें क्रोध के बंधन से आजाद कीजिए, हमें मुक्ति प्रदान करो मेरे यीशु, पर विजय पाने की कृपा दीजिए, तेरे पावन लहू से धो दीजिए, तेरे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, गाओ गाओ प्रभु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, हालेलुया यीशु, एक साथ बार बार गाएंगे, हालेलुया यीशु, छुटकारा और चंगाई समय होने दे यीशु के नाम से, यीशु, हालेलुया 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 यीशु, हालेलुया, 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 मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे, मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे, पावन लहू से,
पावन लहू से धोते मुझे, पावन लहू से धोते मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे, मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझको चंगा तो कर दे, मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझको चंगा तो कर दे, मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझको चंगा तो कर दे, मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझको चंगा तू कर दे। कोई है जिसे प्रभु इस वक्त पथरी के रोग से चंगाई दे रहे हैं, गुर्दे की पथरी, पित्त की थैली की पथरी से कोई है जिसे प्रभु चंगाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति जिसकी पित्त की थैली में पथरी है, वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु उसे चंगाई दे। मैं यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से उसका पवित्र लहू आपके शरीर पर सिर से लेकर पांव तक विलेपन करता, प्रभु आपको इस पथरी की दुष्ट आत्मा से आजाद करता है। बोले आमेन। आमेन। कोई है जो हृदय के रोग से पीड़ित है, हृदय की समस्या से पीड़ित है, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। प्यारे भाई, विश्वास के साथ इस चंगाई को ग्रहण करना। प्रभु उस डॉक्टर को जो आपका इलाज करते हैं, उसके हाथों को शुद्ध कर रहा, पवित्र कर रहा है, ताकि जब वो हाथ आपके ऊपर इस्तेमाल हो, उन पे प्रभु की बरकत उतरे, उन औषधियों पर जिन्हें आप स्वीकार ग्रहण करते हैं, प्रभु उनको अपने लहू में मसा करके वो आपके शरीर में उतरे और आपको हृदय के रोग से प्रभु चंगाई दे रहे हैं। कोई है जो दुष्ट आत्मा के बंधनों में है, इस वक्त प्रार्थना करते जाना मेरे साथ, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से, उसके पवित्र वचन के द्वारा, उसके पवित्र लहू के द्वारा आपको शैतानी बंधनों से आजाद करता है। आमीन। आमीन। कोई है जो पेट के इन्फेक्शन से इस वक्त पीड़ित है, प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आपके पेट की सारी समस्याएं यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से जलाकर राख करता हूँ। कोई है जो कैंसर से पीड़ित है, इस वक्त वो प्रार्थना कर रहा है, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना और आपको प्रभु आजादी दे रहे हैं। बोले आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 कोई है जो बहुत ज्यादा परेशान है ब्लड प्रेशर की वजह से, इस वक्त प्रभु का लहू आपकी नस नस में बहता जाए और आपको शांति प्रदान करे। प्रभु यीशु किसी को आशीष दे रहे हैं जिनमें खून की कमी है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, यीशु का पवित्र लहू आपकी नसों में बह जाए और आपके हीमोग्लोबिन की जो कमी है अभी और इसी वक्त यीशु के पवित्र सामर्थी लहू के द्वारा पूरी हो जाए। बोले आमेन। आमेन। हालेलुया। 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 मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझको चंगा तो कर दे, मेरे रोगों को मिटा दे प्रभु, मुझको चंगा तो कर दे, पावन लहू से, पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। यीशु ने अपना कीमती लहू मेरे और आपके लिए बहाया,
उस लहू को बहाकर उसने मेरे और आपके लिए जीवन प्राप्त किया, जीवन हासिल किया। उस लहू के द्वारा हमें उद्धार मिला, मुक्ति मिली। उस लहू को मैं आपके शरीरों पर लगा देता हूं, विलेपन करता हूं सिर से लेकर पांव तक आपके शरीरों को। जिनके जीवन में कष्ट है, चिंता है, शरीर में घाव है, रोग बीमारियां हैं, यीशु के पवित्र लहू से आपको ब्लेस करता हूं सिर से लेकर पांव तक। प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में प्रभु यीशु का लहू लेकर अपने शरीर पर लगाना, शरीर के अंगों पर लगाना। यदि आपको कहीं पर रोग है, बीमारी है, इन्फेक्शन है, सिर में दर्द है, ब्रेन ट्यूमर है, सर्वाइकल है, पित्त की पथरी है, गुर्दों की पथरियां हैं, यदि आपके जीवन में ये कष्ट है, प्रभु यीशु के पवित्र लहू से अपने आप को मसाज हो जाने दो। रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द हीलिंग, यीशु के पवित्र सामर्थी वचन से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, बंधन टूटे यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। हर प्रकार का लकवे का बंधन, ब्लड प्रेशर का बंधन, इन्फेक्शंस के बंधन, हे प्रभु यीशु, तेरे इन बच्चों के जीवन से निकले और तेरे क्रूस के नीचे बंध के जल के राख हो जाएं। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझको सांत्वना दे दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझको सांत्वना दे दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझको सांत्वना दे दे। मेरे दुखों को मिटा दे प्रभु, मुझको सांत्वना दे दे। कोई है जो इस वक्त प्रार्थना में लीन है, परंतु थायराइड से परेशान है, थायराइड की वजह से उसकी आंखें बहुत मोटी मोटी हुई हैं। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू को आपके शरीर पर विलेपन करता हूँ, आज्ञा देता हूँ इस थायराइड की दुष्ट आत्मा को आपके शरीर को छोड़कर यीशु के पवित्र क्रूस के नीचे बंध जाए और कभी ना लौटे। प्रभु यीशु आपको आजाद करे, रूह का मस्सा आपके ऊपर उतरे, रूह की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे। राइट नाउ आई क्लेम द हीलिंग एंड डिलीवरेंस, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से आपकी हड्डियों में बल आ जाए। जो यूरिक एसिड से परेशान है उन्हें चंगाई मिले, गठिये के रोग से जो पीड़ित है प्रभु उनके घुटनों में, उनके टखनों में, उनके जोड़ों में बल प्रदान कर और इन्हें स्वास्थ्य प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, ये तेरे बच्चे हैं, ये तेरे बेटे और बेटियां हैं। प्रिय बच्चों, आप ईश्वर के हैं, आप ईश्वर के हैं और ईश्वर ने आपको चुना है। आप पर ईश्वर का अधिकार है, शैतानी ताकतों का, बदरुओं के लश्करों का आपके जीवन और परिवार पर कोई अधिकार नहीं। सारा अधिकार प्रभु को समर्पित करते हैं। इस वक्त रूह की बारिश, रूह की आशीष आपके जीवन में उतरे और आपको चंगाई प्रदान करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को खुला छोड़ना। आंतरिक चंगाई के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि ये आंतरिक चंगाई दाता हम पर दया कर दे, हमारे रोगों को चंगा कर दे। इस वक्त लीन हो जाना प्यारे भाई, प्यारी बहन। द लॉर्ड इज कमिंग टू ब्लेस यू, द लॉर्ड जीसस इज कमिंग टू टच यू, द लॉर्ड इज कमिंग टू ब्लेस यू एंड हील यू विद हिज माइटी राइटियस हैंड। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु आपको अपने पवित्र सामर्थी हाथ से छूने जा रहा है। अपनी दोनों आंखों को बंद करना, हाथों को खुला छोड़ना और आंतरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते जाना। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। चंगाई दाता आ जाइए,
रोगी है मन, घायल है दिल और रोगी है मन। छू लीजिए यीशु, छू लीजिए, छू लीजिए यीशु, छू लीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। हो आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर चंगा कर दीजिए, आकर के चंगा करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरा पवित्र लहू तेरे इन बच्चों के जीवन पर, शरीर आत्माओं हृदयों पर उड़ेल देता हूं। अपने पवित्र लहू से इन्हें ब्लेस करने की कृपा कर, तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए। तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है, तू अपने वादों का सच्चा है, तू सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। हे प्रभु, तेरे चिन्ह चमत्कार तेरे इन बेटे बेटियों के जीवन में होने पाए। आज के वचन के द्वारा इनके जीवन में 100 गुना फल इन्हें प्रदान कर। आपके वचन आत्मा और जीवन है, आपके वचनों के द्वारा इनके परिवारों में, खेत खलियानों और दफ्तरों में आशीष आ जाए। जो लोग बेरोजगार हैं इन्हें नौकरी का वरदान दे, जो बाहर जाना चाहते हैं जिनके वीजे लगने वाले हैं उन दफ्तरों को आशीष प्रदान कर, जो नौकरी की तलाश में है जिन्होंने अपने इंटरव्यू दिए हैं देने वाले हैं इन्हें सफलता प्रदान कर। तू अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है, आज तेरे दास के द्वारा कहे गए एक एक शब्द इनके जीवन में पूरे हो जाएं। हे प्रभु, जो संतान के सुख के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इन्हें संतान का सुख प्रदान कर, हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा
ये तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। सभी आशीषों के लिए तालियां बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, दिल ने चुन लिया यीशु का नाम, गाय चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, मधु से मीठा नाम, अल्लेलुया, मधु से मीठा नाम, चुन लिया यीशु का, दिल ने चुन लिया यीशु का नाम, चुन लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम, मुक्ति दिलाए यीशु का नाम, शांति सबको जय यीशु की।